दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल इन्फॉर्मेशन पे। दोस्तों आज मैं जो ज़रूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आप ज़रूर इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बिहार और उत्तर प्रदेश से जबलपुर नागपुर होते हुए दक्षिण भारत तक का सफ़र करते हैं। दोस्तों पहले दक्षिण भारत जाने के लिए जो ट्रेनें पटना इलाहाबाद मुगलसराय की तरफ से आती थी वो जबलपुर से, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जबलपुर से, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाहूँगा, जबलपुर से नरसिंहपुर इटारसी से फिर बैतूल, आमला, नागपुर, वर्धा होते हुए ये बलहार शाह तक का सफ़र 12.5 घंटे में लगभग तय किया करती थी, जो कि 752 किलोमीटर की दूरी तय हुआ करती है। लेकिन एक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में कन्वर्जन के बाद अब ये ट्रेन जबलपुर से इटारसी जाने के बजाय, आप ध्यान से देखिएगा जो काली लकीर आपको दिख रही है, ये जबलपुर से चार घाट पिपरिया, कालाडेही, घुनसोर, पुटारा, नैनपुर से बालाघाट से ये गोंडिया होते हुए, और ये गोंडिया से नागभीर से, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बलहार शाह से 11 किलोमीटर दूर चांदा फोर्ट से बाईपास होकर बलहार शाह वाले मेन लाइन में ये मिल जाएगी। दोस्तों इस रास्ते से सफ़र करने में मात्र ये दूरी घट के अब 475 किलोमीटर की रह गई है, जिससे पहले की अपेक्षा आपको 277 किलोमीटर की दूरी तय कम करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी यात्रा अवधि में लगभग 4 घंटे 30 मिनट की बचत होगी। क्योंकि ये पहले जो ट्रेनें थीं वो लगभग, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैप में, आप देखिए ये जबलपुर से इटारसी आती थी, फिर इटारसी से आमला से नागपुर से वर्धा, और वर्धा से फिर बलहार शाह, देन वहाँ से घूमने के बाद जबलपुर से ये नैनपुर से गोंडिया से नागभीर होते हुए ये चांदा फोर्ट बाईपास होकर ये बलहार शाह मुख्य लाइन में मिल जाती है। यानी कि वंस अगेन जबलपुर से बलहार शाह वाया इटारसी की दूरी 752 किलोमीटर की होती है, जिसका सफ़र 12 घंटे 30 मिनट में तय किया जाता है, और जबलपुर से वाया नैनपुर होकर गोंडिया होकर बलहार शाह की दूरी लगभग 475 किलोमीटर की दूरी होती है, जिसे मात्र 8 घंटे 30 मिनट में तय किया जा सकता है। इस प्रकार से आपकी कुल दूरी में 277 किलोमीटर की बचत हो रही है और यात्रा की समय अवधि में 4 घंटे 30 मिनट की दूरी में कमी हो रही है। इससे उन पैसेंजर्स को फ़ायदा मिलेगा जो जबलपुर होते हुए दक्षिण भारत तक की यात्रा करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।